नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय को लेकर जिस विषय या जिस स्थिति के लिए हम आप हमेशा कभी ना कभी सोचते हैं और जिस भी उम्र में हो उस स्थिति को बचने के लिए हम आज से प्रयास करते हैं। और आपको बता दें, उस स्थिति से बचने के लिए आप ही नहीं, हम ही नहीं, ये दुनिया बहुत प्रयास करती है, क्योंकि ये चेहरे की झुर्रियों को मिटाने की, चेहरे की झुर्रियों को रोकने की इंडस्ट्री इस दुनिया में $5 बिलियन की इंडस्ट्री है। यानी $5 बिलियन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम लोग लगा डालते हैं कि हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ ना आएँ या जितनी देर से हो झुर्रियाँ आएँ। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये छलावा है। झुर्रियाँ चेहरे पे उम्र के साथ आनी है, लेकिन हम इनको डिले कर सकते हैं। आज हम बताएंगे इसको डिले करने का, इसको रोकने का, इसको टालने का, इसके वक्त को थोड़ा लंबा खींच देने का अच्छी स्किन के उपाय। और उपाय है होम्योपैथी। होम्योपैथी में स्किन में झुर्रियाँ रोकने की बहुत कारगर दवाएं हैं। अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल के साथ सेट कर लेते हैं तो लाइफस्टाइल और होम्योपैथिक दवा दोनों मिलके वास्तव में आपको बहुत दिन तक जवान रखेंगे, बहुत दिन तक आपकी उम्र में लोग गलतफहमी खाते रहेंगे। मैं आपको एक वाक्या बताता हूँ। ईरानी साहिबा हैं यहाँ पुराने शहर में, तो वह हमारे क्लिनिक दिखाने आई। और मैं आपको बताऊँ कि ऐसे तो हम नहीं सोचते इस किसी भी बात को, लेकिन हम गलत कैलकुलेशन के कारण अपनी सोच में पड़ गए। मैंने जब आदमी ने अपने सिम्टम बताना शुरू करे तो मैंने सिम्टम सुनना शुरू करे, और सारे सिम्टम मैंने, एक होता है डॉक्टर एक एज को असेस करके उसके हिसाब से सिम्टम्स को लिख लेता है, तो मैंने उनके एक दिमाग में एज असेस करी, फिर जो वो बताती गई वो मैं उसके सिम्टम के हिसाब से उसको लिखता गया। लेकिन फिर सबसे आखिर में हम लोग क्या करते हैं, मरीज का नाम पूछते हैं, नाम सबसे आखिर में पूछते हैं क्योंकि हमें नहीं मतलब कौन आया है, और उसके बाद उसकी एज लिखते हैं। तो जब हमने उनकी उम्र पूछी तो उम्र मेरी सोच से उनकी उम्र 20 साल ज़्यादा थी। तो यानी कि मैं 20 साल का मिस्टेकिंग कर गया उनकी एज को समझने में। तो कहीं ना कहीं मैं 200 मरीज रोज़ देखता हूँ, 150 मरीज रोज़ देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इतना गलत तो नहीं हो सकता एज को जज करने में, लेकिन उनकी स्थिति में बिल्कुल गलत हो गया। तो कहने का मतलब इस बात का ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन करा अपने रहन सहन खान पान से और सोच से, विचार से, कि वह अपनी एज से 20 साल कम दिखती हैं या 15 साल कम दिखती थी। तो यह संभव है आपके रहन सहन से, खान पान के, और साथ में आप होम्योपैथी कर लें तो वह सोने पे सुहागा हो जाता है। इसीलिए हम आपको बताएंगे होम्योपैथी से चेहरे की झुर्रियों को रोकने की, शरीर की झुर्रियों को रोकने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो कि आपको आराम दे के आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का एहसास दिला देंगी, और जो आप हीन भावना महसूस करती होंगी अपने साथ वक्त के साथ, वह हीन भावना आप महसूस नहीं करेंगी। आप उन्हीं रानी साहिबा की तरह चमके, ऐसी हमारी दुआ है और ऐसी इस डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक की चाहत है। इसी चाहत को पूरा करने के लिए आपको हम दवा बताते हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि फेस रिंकल्स होते क्या हैं। फेस रिंकल्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब आपकी स्किन में क्रीजेज आ जाती हैं, ग्रूव्स आ जाते हैं, उस स्थिति को फेस रिंकल्स कहते हैं, यानी चेहरे की झुर्रियाँ कहते हैं। तो आते हैं इसके कॉजेस पर। होता क्या है कि हमारी स्किन में कनेक्टिव टिश्यू के रूप में फाइबर्स होते हैं। ये कैलोजिन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। यह एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के इनर लेयर में लाइनअप होते हैं। वक्त के साथ होता क्या है कि यह जो फाइबर्स होते हैं यह डिसॉल्व होने लगते हैं, खास तौर से जब अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, जब धूप की रोशनी हम पे पड़ती है, तो यह कैलोजिन फाइबर और जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं यह डिसॉल्व होने लगते हैं। और जब यह फाइबर्स डिसॉल्व होने लगते हैं तो हमारी स्किन लटकने लगती है, उसमें ग्रूव्स आने लगते हैं, और यही जो है झुर्रियाँ पड़ने की स्थिति होती है। उसके अलावा और भी तमाम कारण होते हैं,
एक तो जो इस बात में कारण में ही आ गया कि आपके यूवी रेस पड़ रही हैं, उससे आपके झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसके अलावा तमाम मेडिकेशंस आप बहुत ज़्यादा जब लेते हैं तब भी आपकी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। कई सारी घातक बीमारियाँ होती हैं जिसके दौरान आपका, जिससे होकर जब आप गुजरते हैं तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और चेहरा थोड़ा सा उम्र ज़्यादा दिखाने लगता है। तो इस तरह तमाम मेडिकल कंडीशंस होती हैं। सिम्टम साथियों, जब आपके चेहरे पे ग्रूव दिखने लगें, रिजेस दिखने लगें, तो वह जो है आपका झुर्रियाँ पड़ने की स्थिति होती है। सबसे पहली झुर्री जो आपके पड़ती है, सबसे पहली फेस रिंकल जो आपके पड़ती है, वो आपके पड़ती है फेशियल एक्सप्रेशंस की। फेशियल एक्सप्रेशन जब आपके, जिस तरह के आप बहुत हंसते हैं तो भी झुर्री पड़ती हैं, जब बार बार एक हिस्से में स्किन के खिंचाव आता है, जो उसका प्रोटीन होता है इलास्टिन, वो जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है वहाँ पर और एक परमानेंट रूप से वहाँ पर एक ग्रूव की शक्ल ले लेता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं आप हंसे ना, आप हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक चीज़ सेरोटोनिन हार्मोन भी होती है, किसी अन्य वीडियो में उसका डिस्कस करूँगा, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होती है। तो वो आपके स्ट्रेस को कम करने वाली हार्मोन आपको मुस्कुराने से ही सिक्रीट होती है। दूसरे, आप गुस्सा करते हैं तो भी आपके फेस की मसल्स फ्लेक्स होती हैं और आपका चेहरा, कहते हैं, वैसा ही हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति होती है। फिर एक सिम्टम्स इसके आपको तब भी ज़्यादा दिखते हैं जब आप स्मोकिंग बहुत करते हैं। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है झुर्रियाँ पड़ने का। तो अगर आपके चेहरे की झुर्रियों को आपको बचाना है तो आप स्मोकिंग ना करें। अब हम आपको बताते हैं फेस रिंकल्स को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वो दवाएं जो आपको वक्त से थोड़ा पीछे ले जाएंगी। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हो सकता है आपकी स्थिति को खत्म ना कर पाए, लेकिन आपकी स्थिति को टाल जरूर देंगी। ये दवाएं बताने से पहले साथियों, जैसा हमारे वीडियो में कहते हैं, आपको फिर कह दें कि कोई भी दवा बिना कुछ कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना ना लें, क्योंकि ये जो दवाएं बताने का मकसद है, ये आपको होम्योपैथी के करीब लाने का मेरा मकसद है, लेकिन दवाएं हर व्यक्ति के हिसाब से, उसके हिसाब से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए दवाएं हमेशा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लें, क्योंकि कोई भी दवा का कैसा भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। चलते हैं साथियों, अपनी बढ़ती उम्र से लड़ाई करने के एक छोटे से प्रयास में आपको चेहरे की झुर्रियों से बचाव की 10 कारगर होम्योपैथिक दवा बताने के सफर में। साथियों, सबसे कारगर और जो प्रमुख दवा होम्योपैथी में है चेहरे की झुर्रियां खत्म करने की, चाहे वो जहां पर भी हो, वह है एब्रोटेनम। अगर आपका चेहरा थोड़ा उम्र दराज दिखने लगा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी हैं, चेहरे पे पीलापन आने लगा है, स्किन लटकने लगी है, तो आप एक बार एब्रोटेनम को जरूर ट्राई करें। एब्रोटेनम 30 पावर में 2-2 बूंद यदि आप दिन में 3 बार 1 महीने तक लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी स्किन की शक्ल बदल गई और जो आपकी आइज के नीचे झुर्रियाँ हैं, आपके माथे पे झुर्रियाँ हैं, एक ओल्ड लुकिंग फेस है, वह ख़त्म हो गया और आप समाज में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मूव करने लगे। तो एब्रोटेनम 30 आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यह दवा आपके चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म कर देगी, या झुर्रियों को ख़त्म करने की, रिंकल्स को ख़त्म करने की नंबर एक दवा है। फिर साथियों, एक स्थिति आती है झुर्रियों में कि आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं और आप में बहुत थकान, व्यक्ति बहुत थका हुआ, दुबला पतला, परेशान, डायबिटिक, यह सारी स्थितियां अगर आप में आ रही हैं कि एक आपके चेहरे पे परेशानी का लुक है, तो आपके लिए बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में उस लुक को दूर करने की है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपके फेस का लुक थोड़ा डर्टी हो, आप दुबले पतले हो, आपको थकान ज़्यादा महसूस होती हो और आपको लगता हो कि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है, आपका जो वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, वो गिर रहा है, तो वह वाइटल फोर्स भी आपका ऊपर उठेगा, आपका डायबिटीज़ भी आर्सेनिक एल्बम से कंट्रोल होगा और आपका जो ये फटीग है, थकान वाला चेहरा, थकान वाला जीवन और उसके कारण जो झुर्रियाँ हैं, वह पूरी तरह चली जाएंगी। आप इस दवा को आजमा के देखें, आपको वास्तव में आनंद आएगा। फिर साथियों, एक स्थिति आती है
कि आपने जीवन में सेल्फ मैच्योरेशन बहुत करा है, हमारे पुरुष भाइयों ने सेल्फ मैच्योरेशन बहुत करा है, और उसके बाद उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गईं और उम्र आ गई और एक फटीग आ गया और उनका जो है बाल भी झड़ गए। अगर यह कंडीशन आप में आ रही है कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ सेल्फ मैच्योरेशन आपके साथ है, तो उस स्थिति में होम्योपैथी में आपको रिवाइव करने की दवा, आपके चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने की दवा बराइटा कार्ब है। आप बराइटा कार्बोनिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें तो आपका बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ सेल्फ मैच्योरेशन और उसके अलावा जो आपका बैडनेस है और लाइबल टू टेक कोल्ड ईजली, बार बार जल्दी जल्दी आपको ठंडा में ठंडक लग जाती है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, उन सारी कंडीशनों को यह दवा पूरी तरह ठीक कर देगी और आपके फेस के रिंकल्स को ख़त्म कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपका फेस सफ़ेद पड़ गया है और आपके सर से तो पसीना बहुत आता है, पूरे शरीर से आपके पसीना नहीं आता है तो या कम आता है, तो जब आपको लगता हो आपके शरीर से कम पसीना आ रहा है और आपके चेहरे पे रिंकल्स पड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो उस स्थिति को होम्योपैथी में दूर करने की बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया कार्ब है। आप कैल्केरिया कार्ब 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें कि आप देखेंगे कि आपकी झुर्रियाँ भी चेहरे की ख़त्म हो गई, आपको शरीर में बराबर पसीना भी आने लगा और आपका जो एक चौकी लुकिंग फेस है, बिल्कुल वाइट फेस हो गया है जिसमें ना कोई नूर नहीं है, कोई जान नहीं है, वह नूर भी वापस आ गया, वह चमक भी वापस आ गई, वह जान भी वापस आ गई और आपके चेहरे की झुर्रियाँ भी ख़त्म हो गईं। इस स्थिति के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस कैल्केरिया कार्ब है। मैं फिर बता दूँ, इसको 30 पावर में दो दो बूंद आप दिन में तीन बार लेकर लाभ पा सकती हैं। फिर एक स्थिति आ सकती है आपके सामने कि स्किन इतनी सूख गई कि स्किन लटक गई। अगर यह स्थिति आप अपने में देखती हैं कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई और ड्राई होकर लटक सी गई, लूज सी पड़ गई, एक थोड़ी सी उम्र की अवस्था में, मैं 40-42 साल की बात कर रहा हूँ, 45 साल की बात कर रहा हूँ, उस स्थिति में अगर यह बदलाव आप में आने लगा तो उसको टालने और रोकने के लिए बहुत कारगर होम्योपैथी में दवा है सरसा पेरिला। आप सरसरा पेरिला 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगी कि आपका स्किन रिवाइव कर गई और आप पहले की तरह स्वस्थ हो गई, आपको एक अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया और आपके चेहरे पे चमक आ गई। सरसा पेरिला स्किन को गोरा करने की भी बहुत कारगर दवा है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो भी आप सरसा पेरिला 30 लेके इस दवा से लाभ पा सकती हैं। फिर एक स्थिति आती है कि आपकी स्किन खारिश वाली, रॉनेस सोडनेस है, रूखापन है, सूखापन है, खारिश ऐसी स्थिति है और वह स्थिति होते हुए आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ गए, झुर्रियाँ पड़ गईं। अगर यह स्थिति आपके सामने हो तो इस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कॉस्टिकम। आप कॉस्टिकम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगी कि आपकी आप इस स्थिति से निकल गई कि जो आपके खारिश वाली स्किन है, रूखी स्किन है जिसमें खारिश खुजली भी हो रही है और आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़े जा रहे हैं, वह रिंकल्स भी चले जाएंगे, आपकी स्किन की रॉनेस और सोरनेस भी खत्म हो जाएगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपकी आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, हमेशा कब्जियत बनी रहती है और आपको महसूस हो रहा है कि कब्जियत ने हमारी सारी स्किन को ख़राब कर दिया, पूरी स्किन में झुर्रियाँ आ गईं। तो अगर यह कंडीशन आप देखते हैं कि आपको स्किन में झुर्रियाँ आई जा रही हैं कब्जियत के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, तो उस स्थिति में आपके चेहरे और शरीर की झुर्रियों को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर अपने जो ये कॉन्स्टिपेशन कब्जियत के कारण जो स्किन खराब होने की स्थिति है इससे निपट सकते हैं। ग्रेफाइटिस 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार सेवन से आपकी स्किन भी टोनअप हो जाएगी और आपकी कब्जियत भी दूर हो जाएगी। फिर एक स्थिति आती है जब आपकी एक दिमागी स्थिति होती है कि आप हमेशा दुखी रहती हैं या रहते हैं। अगर आप हमेशा दुखी रहती हैं तो और आपका बड़ा ही एक पीला पड़ गया है चेहरा, अगर उस स्थिति उस चिंतन में उस दुख में आप होता जा रहा है उससे आपकी स्किन खराब होती जा रही है, तो इस स्थिति को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है रिंकल्स की और वह है सीपिया। आप सीपिया 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, आप देखेंगे कि
आपका जो वरी के कारण, दुख के कारण, रोने के कारण आपको जरा जरा सी बात पे रोना आ जाता है, वीपिंग हो जाती है, अगर आपके यह स्थिति होती है और आपके रिंकल्स हैं, तो CPI-30 आपको मैजिक इफेक्ट डालेगी, आपकी वीपिंग डिस्पोजिशन, ये रोने की जो टेंडेंसी है इसको भी ख़त्म कर देगी और आपकी स्किन को भी स्वस्थ कर देगी और आपके रिंकल्स को पूरी तरह ख़त्म करके आपके चेहरे को चमकदार बना देगी। फिर एक बड़ी रोचक स्थिति आती है, कभी कभी जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी दवा है। तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, उनसे उनके चेहरा ख़राब हो गया, उनको जब गुस्सा आता है तो उनकी स्किन बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाती है और उससे धीरे धीरे चेहरे पर रिंकल्स आने लगी हैं, तो उस स्थिति को भी दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे या देखेंगी कि गुस्से के कारण होने वाले आपका जो स्किन खराब हो गई है, आपका चेहरा लाल होने के कारण जो आपके झुर्रियाँ आ गई हैं वह झुर्रियाँ ठीक हो जाएंगी, आपका चेहरा भी लाल होना ख़त्म हो जाएगा तमतमाने वाला और आप अपने को स्वस्थ और खूबसूरत महसूस करने लगेंगी। ये कुछ साथियों दवाएं थी आपके लिए फेस रिंकल्स को ख़त्म करने की। साथ में हम आपको एक फेस रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा जादुई नुस्खा भी बताना चाहते हैं। वह जादुई नुस्खा ये है साथियों कि अगर आपको फेस को अपने केयर करनी है तो आपके पास फल खाने का बड़ा अच्छा विकल्प है। यदि आप फलों को खूब लेते हैं, पानी बहुत पीते हैं जो कि बगैर पैसे की दवा है, आप निश्चित रूप से चमकेंगे, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे और आपके जो एक कैलोजिन इलास्टिन फाइबर जो आपकी स्किन में है जो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है वह बहुत देर से ख़त्म होगा और आप चमकते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। हमें आपके हर क्वेरी का संतोषजनक उत्तर देने में बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको साथियों हमारा आपको होम्योपैथी के करीब लाने का यह प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन जो कि लगा है यूट्यूब में पैनल में नीचे उसको क्लिक करके हमारे सबसे नए वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ इस सफ़र में इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद।